हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कमिंग अप इन। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर गुजरात में इंडिया का फर्स्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और स्टूडेंट, गुजरात इंटरनेशनल मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसे कि GIMAC कहा जा रहा है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए गुजरात मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है गांधीनगर में ही। और स्टूडेंट, जो ये मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर गांधीनगर में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, इससे जो भी मैरिटाइम सेक्टर में या शिपिंग सेक्टर में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको आर्बिट्रेशन और मीडिएशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू मैनेज किया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द मॉडल टीनेंसी एक्ट इन द स्टेट एम्ड एट एंडिंग टीनेंट ओनर डिस्प्यूट्स। स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में मॉडल टीनेंसी एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली है, इस चीज़ की प्लानिंग कर रही है अपने स्टेट में कि वो इंट्रोड्यूस करेगी मॉडल टीनेंसी एक्ट को, और जिसका एम होगा कि इससे जो भी टीनेंट हैं, यानी जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं, ओनर्स हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स, जो अगर डिस्प्यूट्स हैं तो उनको समाप्त किया जा सके। इसके लिए ऐसा कौन सा स्टेट है जो प्लानिंग कर रहा है कि उस स्टेट में मॉडल टीनेंसी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि टीनेंट और ओनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एंड किया जा सके। स्टूडेंट, इसका आंसर है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। तो कर्नाटका स्टेट में ये प्लानिंग की गई है कि वहाँ पर मॉडल टीनेंसी एक्ट को स्टेट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि जो टीनेंट ओनरशिप डिस्प्यूट है उसको समाप्त किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ओपन्ड एट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पर ओपन किया गया है, कहाँ पर इसको बनाया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में एक 12 फीट लॉन्ग एक्वेटिक किंगडम को बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। और स्टूडेंट, इसमें जो एक पैसेंजर है, पर पैसेंजर 25 रुपीज़ की नॉमिनल फ़ीस, नॉमिनल एंट्री फ़ीस रखी गई है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC। स्टूडेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है क्योंकि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो स्टूडेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेदाह, सऊदी अरबिया में। स्टूडेंट, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, ये वर्ल्ड की जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। और स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, OIC है, ये पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा, यानी यूनाइटेड नेशन फर्स्ट लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद वर्ल्ड का सेकंड नंबर का जो लार्जेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो OIC है। और स्टूडेंट, अगर जो
इस्लामिक कॉपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, जैसे कि OIC कहा जाता है। OIC में 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं और स्टूडेंट इसको 25 सितंबर 1969 में जो राबात है, जो कि अफ्रीकन कंट्री मोरक्को है, उसकी कैपिटल राबात में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो OIC है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इसको मोरक्को की कैपिटल राबात में 25 सितंबर 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। और स्टूडेंट ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने OIC यानी इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें कि OIC के द्वारा कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो कि एस जयशंकर हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के इस प्रपोज़ल को एक बार फिर से ठुकरा दिया है। स्टूडेंट दिसंबर 2020 में भी जो इंडिया ने दिसंबर 2020 में भी OIC के द्वारा कहा गया था इंडिया के लिए कि जो कि कश्मीर की जो पॉलिसी है उस पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था, और उस टाइम पर भी इंडिया ने OIC को रिजेक्ट कर दिया था, उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया था। और स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया है वो OIC का मेंबर कंट्री नहीं है, और OIC क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, और ये यूनाइटेड नेशंस के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। स्टूडेंट आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेद्दा सऊदी अरबिया, और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 25 सितंबर 1969 में, अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, उसकी कैपिटल राबात में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडियन साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड न्यू प्लांट स्पीसीज इन अंटार्कटिका नेम्ड एज। स्टूडेंट ये न्यूज़ अंटार्कटिका से रिलेटेड है, वहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट ने एक बार एक जो एक नई स्पीसीज़ है उसको डिस्कवर किया है, एक प्लांट की नई स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है अंटार्कटिका में। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस प्लांट स्पीसीज़ का नाम बताना है जिसे कि अंटार्कटिका में इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है, उसका नाम भारती है, यानी जो वो प्लांट स्पीसीज़ को अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया है उसका नाम इंडियन गॉडेस भारती के नाम पर उसका नाम भारती रखा गया है। और स्टूडेंट ये जो प्लांट स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है वो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या हैं, पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, और उन्होंने ही इस प्लांट स्पीसीज़ को जो कि एक मॉस की स्पीसीज़ है इसको नाम दिया है भारती। बेसिकली ये जो मॉस की स्पीसीज़ है इसको कहा जाता है ब्रियम भारतीयंसिस। जो गॉडेस भारती हैं, जो हिंदू गॉडेस भारती हैं, उनके नाम पर इस मॉसेस स्पीसीज़ का नाम भी ब्रियम भारतीयंसिस रखा गया है। और ये जो नाम जो कि ये जो नामकरण किया गया है इस प्लांट स्पीसीज़ का, इस मॉस स्पीसीज़ का, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के ही बायोलॉजिस्ट हैं। और स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि इसको कहाँ से सर्च किया गया है, इसको डिस्कवर किया गया है अंटार्कटिका से। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु बिकम्स फर्स्ट एयरलाइंस टू जॉइन IATA's टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म इन मिडल ईस्ट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि IATA का मींस है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इसको ज्वाइन करने वाला कौन सा ऐसा फर्स्ट एयरलाइंस है जिसने कि जो IATA का जो एक इनिशिएटिव है
टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म उसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। और ये क्या है, इस टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने वाला मिडिल ईस्ट का फर्स्ट कंट्री बन गया है। तो फर्स्ट जो मिडिल ईस्ट में इसको ज्वाइन करने वाला फर्स्ट एयरलाइंस बन गया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है, ऐसा फर्स्ट एयरलाइंस है कतर एयरवेज। जो कतर एयरवेज है उसने IATA के द्वारा जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म। और मिडिल ईस्ट में IATA के इस टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म को, इस टर्बुलेंस अवेयर इनिशिएटिव को ज्वाइन करने वाला जो कतर एयरवेज है वो मिडिल ईस्ट का फर्स्ट एयरलाइन बन गया है। स्टूडेंट बेसिकली ये जो टर्बुलेंस अवेयर इनिशिएटिव है इसको जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको दिसंबर 2018 में इसको जब लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पर ही जो कतर एयरवेज है उसने इसको क्या कर लिया था, इसमें अपना इसको उस टाइम पर ही इसको ज्वाइन कर लिया था। और कतर एयरवेज अभी भी मिडिल ईस्टर्न रीजन है वहाँ से फर्स्ट एयरलाइन बना है जिसने कि जो IATA के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म उसको ज्वाइन किया है। स्टूडेंट ये जो टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म है इसमें बेसिकली जो हमारे प्लेन्स होते हैं उनमें जो भी टर्बुलेंस होता है, यानी उसमें जब फ्यूल्स कभी ख़त्म होता है या एकदम से कभी फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है तो उससे जो भी प्लेन्स में जो झटके लगते हैं उससे लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है, ताकि जो भी प्लेन्स वगैरह हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सके लोगों में, तो इस चीज़ के लिए ही जो एयरवेज हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या हो, टर्बुलेंस की प्रॉब्लम प्लेन्स में ना हो जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए स्टूडेंट ये जो IATA है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसके द्वारा टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और इस इनिशिएटिव में जो फर्स्ट मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है, फर्स्ट मिडिल ईस्ट जो एयरलाइन है वो है कतर एयरवेज। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, PM मोदी रिसीव्स फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी विच इज़ पब्लिश्ड बाय। स्टूडेंट बेसिकली ये न्यूज इस पर बेसिस है कि अभी रिसेंटली श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो एक इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और ये बुक लिखी गई है जो है लेट बलजीत कौर के द्वारा। स्टूडेंट और अब उनकी क्या है, डेथ हो गई है, तो इसीलिए जो उनके सन हैं लॉयर KTS तुलसी उनके द्वारा इसको PM मोदी को दिया गया है। और PM मोदी ने अब फर्स्ट कॉपी उसकी रिसीव की है और इसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। स्टूडेंट इस बुक को ध्यान रखिएगा, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ये जो बुक है ये लिखी गई है बलजीत कौर तुलसी के द्वारा। और ये किसकी मदर हैं, ये हैं KTS जो एक नोटेड लॉयर हैं KTS तुलसी, उनकी मदर हैं। और बलजीत कौर तुलसी के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है श्री गुरु गोविंद जिसका नाम है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो PM नरेंद्र मोदी को दी गई थी और इसको पब्लिश किया गया है द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा। स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉगरेटेड द फर्स्ट डिजिटल केंद्र ऑफ ई कॉमर्स जाइंट अमेजन इन सूरत सिटी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में अमेजन के द्वारा पहला अपना जो डिजिटल केंद्र है वो
कहाँ जो सूरत सिटी में जो इनॉगरेशन किया गया है वो किसके द्वारा इसका इनॉगरेशन किया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के द्वारा सूरत सिटी में अमेज़न का जो कि एक ई कॉमर्स जायंट है अमेज़न उसका एक डिजिटल जो फर्स्ट डिजिटल केंद्र है उसका उद्घाटन उसका इनॉगरेशन जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी के द्वारा सूरत सिटी में किया गया है। स्टूडेंट बेसिकली ये जो अमेज़न के द्वारा ये जो डिजिटल केंद्र इंडिया में जो फर्स्ट डिजिटल केंद्र को इनॉगरेशन किया गया है इसका ये इसलिए किया गया है ताकि जो MSME है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है उसके लिए जो भी सर्विसेज हैं कॉमर्स से रिलेटेड उनको प्रोवाइड कराया जा सके। और स्टूडेंट साथ ही ये जो मूवमेंट है ये अमेज़न का एक अमेज़न इंडिया इसका एक कमिटमेंट है इसका एक एम था कि जिससे 10 मिलियन इंडियंस को जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में क्या करना है डिजिटाइज करना है टू 2025 तक। ये क्या था अमेज़न का एक उस लक्ष्य का पार्ट है उस मूव का एक पार्ट है जिसमें कि ये कहा गया है कि इंडिया का ये कमिटमेंट है कि इंडिया में जो 10 मिलियन जो इंडियन हैं जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में हैं उनको क्या किया जाएगा 2025 तक डिजिटाइज कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट इसमें साथ ही ये कहा गया है कि इसके लिए 1400 स्क्वायर फीट सेंटर है वहाँ पर कृषि बाज़ार APMC मार्केट को सेटअप किया गया है। और स्टूडेंट ये क्या है एक इम्पॉर्टेंट MSME क्लस्टर के रूप में ये लोकेटेड है। स्टूडेंट इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडिया में अमेज़न कंपनी के द्वारा जो कि ई कॉमर्स कंपनी है ई कॉमर्स जायंट है इसके द्वारा सबसे पहला अपना डिजिटल केंद्र कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सूरत सिटी गुजरात में अमेज़न के द्वारा अपना पहला डिजिटल केंद्र वहाँ पर सेटअप किया गया है। और स्टूडेंट इसका इनॉगरेशन गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के द्वारा किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव जो अमेज़न के द्वारा लिया गया है ये उसका जो 2025 तक 10 मिलियंस जो इंडियंस हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में उनको डिजिटाइज करने का जो कमिटमेंट है उसका एक पार्ट इस इनिशिएटिव को माना गया है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑनलाइन पोर्टल स्पर्स लॉन्च्ड फॉर। स्टूडेंट पूछा गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है स्पर्स इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट ये जो स्पर्स नाम का पोर्टल है इसको जो भी डिफेंस पेंशन्स हैं डिफेंस में जो भी चाहे वो हमारी आर्मी के पेंशनर्स हों इंडियन नेवी के जो भी ऐसे पर्सोनल्स हैं उनकी पेंशन्स हो या फिर जो इंडियन एयरफोर्स हैं इनके जो भी पेंशनर्स हैं उनके अगर उनके किसी भी रिलेटेड पेंशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही ये इंडियन डिफेंस के द्वारा ये क्या है ये स्पर्स जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है जिससे कि जो डिफेंस पेंशन्स हैं जो कि डिफेंस के जो पर्सोनल्स होते हैं चाहे वो इंडियन आर्मी के पेंशनर्स हों इंडियन नेवी के पेंशनर्स हों या फिर इंडियन एयरफोर्स के पेंशनर्स हों उनको अपनी पेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको ईज़ करने के लिए और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ही डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्पर्स नाम की इस इनिशिएटिव को इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और स्टूडेंट जो ये स्पर्स है इसका फुल फॉर्म है द सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा।
ये क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। और जो हमारी तीनों ही जो फोर्सेस हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के जो भी पेंशनर्स हैं, उनको कोई अगर उनकी क्या है पेंशन से रिलेटेड दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, उनको ईज़ करने के लिए ही ये स्पर्स नाम का ऑनलाइन पोर्टल इंडियन डिफेंस के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्टूडेंट। इसके बाद आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कि अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इसमें हिंट भी मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है कि OTT प्लेटफॉर्म फॉर मलयालम फिल्म्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, केरला होगा। अब केरला स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जो रीजनल फिल्म्स हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके लिए जो भी फिल्म्स बनती हैं, उन सब के लिए अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। तो स्टूडेंट केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि अपना खुद का रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, अपनी रीजनल मूवीज़ के लिए क्या किया है, OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसमें कि मलयालम फिल्म्स के लिए ये बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म को केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्टूडेंट। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।